हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर 4 वेयर एनिमल्स लीव अडेप्टेशंस ऑफ योर क्लास 4 लखमीर सिंह साइंस बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। सो दिस चैप्टर इज़ क्वाइट बिग, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इस चैप्टर को 2-3 पार्ट्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द चैप्टर। जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो नीड स्पेशल फीचर्स और अडेप्टेशन दैट हेल्प देम टू लीव एंड ग्रो इन देयर एनवायरमेंट। हमने एक चैप्टर में ये पढ़ा था कि प्लांट्स अपने बॉडी में बहुत सारे चेंजेस करते हैं ताकि वो जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ पर वो सही से रह पाएँ। तो उसी तरह से एनिमल्स को भी अपने बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस करने होते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स अपने बॉडी में लाने होते हैं, ऐसे अडेप्टेशन जिससे वो जहाँ पर वो रह रहे हैं, जो उनका एनवायरनमेंट है वहाँ पर वो रह पाएँ और ग्रो कर पाएँ। एनिमल्स आर फाउंड इन एवरी रीजन, फ्रॉम डेजर्ट टू फर्टाइल प्लेन्स, फ्रॉम हिल्स टू वैली एंड इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड ओशंस टू। एनिमल्स हर एक जगह पे पाए जाते हैं, वो रेगिस्तान में भी होते हैं, वो मैदान में भी होते हैं, और वो पहाड़ी इलाकों में भी रहते हैं, वैलीज़ में भी रहते हैं, और पानी के अंदर यानी रिवर्स, पॉन्ड्स और ओशंस में भी रहते हैं। हैबिटेट इज़ द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल, डिफरेंट एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। तो हैबिटेट को अगर कोई हमें डिफाइन करने में कहेगा तो हैबिटेट क्या है, एक एनिमल का जो नेचुरल होम है वो उसका हैबिटेट है। जैसे अगर आप ज़ू में जाते हैं और एनिमल्स को देखते हैं तो वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, क्योंकि उन्हें बाहर से लाकर वहाँ रखा गया है। हैबिटेट वो जगह होता है जहाँ पर उस एनिमल को हमेशा से वो रह रहा होता है, और हर एक एनिमल का अलग अलग तरह का हैबिटेट होता है। लैंड और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, तो सबसे पहले हम लैंड में जो एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। Animals that live on land are known as terrestrial animals, as there are varied type of land habitats. The adaptation shown by animals also vary. जो जानवर लैंड पे रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं, और लैंड हैबिटेट भी काफ़ी तरह के होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लैंड हैबिटेट हैं, तो उसमें जो एनिमल्स हैं उनके अंदर भी अलग अलग तरह के अडेप्टेशन होते हैं। डिजर्ट्स, फॉरेस्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स आर ऑल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, डिजर्ट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, कोस्टल एरियाज और माउंटेन रीजन्स। डॉग्स, कैट्स, टाइगर्स, लायंस, ज़ेब्रास, चीतास, एलिफेंट, कैमल्स, हॉर्सेस, काउस, गोट्स एंड शीप आर एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की ये सब एग्जाम्पल हैं। दीज एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू मूव एंड रन, दे हैव लंग्स टू ब्रीथ। क्योंकि इन जानवरों को ज़मीन पर रहना होता है तो इसलिए क्या इनके जो पैर हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, जिससे वो चल पाते हैं और भाग भी पाते हैं। सांस लेने के लिए इनके अंदर लंग्स होता है। दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन डैट हेल्प देम टू फाइंड फूड, शेल्टर एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अदर एनिमल्स। इनके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं यानी बाहर के एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, जिसके वजह से इन्हें खाना और रहने की जगह और दूसरे जानवरों से प्रोटेक्शन मिलने में भी बहुत हेल्प मिलता है। सम लैंड एनिमल्स सच एज स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स, दे मूव बाई क्रॉलिंग। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पैर नहीं होते, जैसे कि स्नेक्स, और ये ज़मीन पे रेंगते हुए चलते हैं। दे यूज सम ऑफ द वाइड स्केल्स ऑन देयर बेली टू ग्रिप द ग्राउंड वाइल पुशिंग फॉरवर्ड विद द अदर्स। इनके बॉडी पे बहुत सारे स्केल्स होते हैं जिससे वो ज़मीन पे अपनी पकड़ बनाते हैं और अपने बॉडी को आगे की तरफ धक्का देते हुए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग मसल्स ऑल्सो हेल्प देम क्रॉल एफिशेंटली, और इनके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये ज़मीन में आराम से रेंग पाते हैं। स्पेशल अडेप्टेशंस, अब लैंड एनिमल्स में क्या क्या स्पेशल अडेप्टेशंस हैं। अपार्ट फ्रॉम सम कॉमन फीचर्स, लैंड एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स हैव सम स्पेशल अडेप्टेशंस एज वेल। तो कुछ कॉमन फीचर्स जैसे कि पैरों का मजबूत होना, लंग्स इस सब के अंदर होना, ये कॉमन फीचर्स हो गए। और लैंड एनिमल्स में जो अलग अलग हैबिटेट में रह रहे हैं उनके कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस भी होते हैं। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन बिलो, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि
सम फीचर्स डैट हेल्प अ कैमल लिव इन अ डेजर्ट आर। तो एक कैमल, हम सब जानते हैं कैमल डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में रहता है, तो उसके बॉडी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेग्स कीप इट्स बॉडी फर्दर अवे फ्रॉम द हॉट सन। तो रेगिस्तान की जो जमीन में जो बालू होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, तो एक कैमल के जो पैर हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे उन्हें गर्म जो बालू है उससे उसका बॉडी काफ़ी ऊंचाई पे दूर रह पाए। ब्रॉड एंड फ्लैट लेदरी पैच एट द बॉटम ऑफ इट्स हूव्स प्रिवेंट्स इट फ्रॉम सिंकिंग इनटू द सैंड। और इसके पैरों के नीचे के तरफ काफ़ी चौड़ा और लेदर की जैसा एक पैच होता है, जिससे इसके जो पैर हैं वो बालू के अंदर धंसते नहीं हैं। फैट इज स्टोर्ड इन द हम्प इट हेल्प्स इट सर्वाइव लॉन्ग पीरियड्स विदाउट फूड एंड वाटर। इसकी जो पीठ होती है, यहाँ पे आप एक देख सकते हैं हम्प, इसको कहते हैं ऊपर में जो उठा हुआ पार्ट है उसको हम हम्प कहते हैं, और इसके अंदर फैट स्टोर्ड रहता है क्योंकि डेजर्ट में काफ़ी दिन तक खाना और पानी नहीं मिल पाता है। इससे कैमल इससे ही अपना, अगर खाना और पानी ना भी मिले तो वो इसके ही सहारे काफ़ी दिन तक बिना खाए पिए रह सकता। नॉस्ट्रिल्स कैन बी क्लोज डैट हेल्प इन कीपिंग अवे सैंड ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग सैंड स्टोन्स। अब रेगिस्तान में कभी कभी सैंड स्टोन्स आते हैं जिससे बालू पूरी तरह से इधर उधर से उड़ने लगता है, तो इसके जो नाक होते हैं वो इस तरह से डेवलप्ड हैं कि वो कभी भी उन्हें खुद से बंद कर सकता है, जिससे जो हवा में जो रेत उड़ रही होती है वो इसके नाक के अंदर नहीं जाती। टू रोज ऑफ लॉन्ग आई लैशेज प्रोटेक्ट अगेंस्ट ग्लोइंग सैंड एंड द सन। इसके जो आई लैशेज होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जिससे जो हवा में रेत उड़ रही होती है और सूरज की रोशनी से भी इसे प्रोटेक्शन मिलती है। सम फीचर्स डैट हेल्प अ पोलर बियर लिव इन आइसी आर्कटिक रीजन्स आर। अब हम पोलर बियर के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडे आर्कटिक रीजन में रहते हैं। द हेयर ऑन द सोल्स ऑफ इट्स फीट हेल्प इट टू वॉक ऑन द स्लिपरी आइस एंड स्नो। इट वॉक्स विद टोज पॉइंटिंग इनवर्ड टू अवॉइड स्लिपिंग। तो एक पोलर बियर के जो पैर होते हैं उसके सोल में कुछ हेयर्स होते हैं, जिसके वजह से वो आइस के ऊपर आराम से चल पाता है, स्लिप नहीं करता, और वो अपने पैरों को मोड़ अंदर की तरफ मोड़ कर चलता है ताकि वो गिर ना जाए। लार्ज फ्रंट पॉज विथ पार्शली वेब्ड टोज मेक इट अ ग्रेट स्विमर। इट पैडल्स विथ इट्स फ्रंट लेग्स एंड यूजेस इट्स हाइंड लेग्स एज रडर्स। तो इसके जो सामने के पंजे होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए होते हैं जिससे ये आराम से स्विम कर पाए, और ये अपने आगे के पैरों को पैडल जैसे यूज़ करता है और इसके पीछे के जो पैर हैं वो इन्हें रडर की तरह यूज़ करता है। इट हैज़ अ वेरी गुड सेंस ऑफ स्मेल एंड कैन स्निफ डेड एनिमल्स फ्रॉम फार अवे एंड कैन फाइंड सील्स इन डेंस बेनीथ द स्नो। तो इसका जो फूड है वो है सील्स, और इसके जो किसी भी चीज़ को स्मेल करने की जो पावर है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और ये काफ़ी दूर से मरे हुए जानवरों की स्मेल सूंघ लेता है, और इस सील्स जो कि बर्फ के अंदर दबे हुए होते हैं उन्हें भी ये बाहर निकालता है। वाइल इट्स क्लॉज हेल्प इट टू कैच सील्स इट्स ह्यूज टीथ आर फॉर टेयरिंग द प्रे अपार्ट। इसके जो पंजे होते हैं वो सील्स को पकड़ने में मदद करते हैं, और इसके जो बड़े बड़े दांत होते हैं वो शिकार जो भी ये चीज़ें पकड़ता है उन्हें उनकी बॉडी को खोलने में इसे मदद करती है। लाइट फर कलर प्रोवाइड्स कैमोफ्लाज अगेंस्ट द आइस। इसका जो फर है वो पूरा वाइट कलर का है, जिससे आइस में इसे कैमोफ्लाज मिल जाता है। ये अगर छुपना भी चाहे तो ये आराम से छुप पाता है। थिक लेयर ऑफ फैट और ब्लबर अंडर द स्किन प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम हार्श कोल्ड ऑफ आर्कटिक रीजन्स। इसकी स्किन के अंदर काफ़ी थिक लेयर ऑफ फैट रहता है, जिससे इसे आर्कटिक रीजन में जो बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है इससे इसे प्रोटेक्शन मिलता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई विल अपलोड द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।